हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। राकेश यादव सर की मॉडर्न हिस्ट्री का बुक हम डिस्कस करें, मतलब जो उनका जीएस वाला मटेरियल है उसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री अभी कर रहे हैं। दो लेक्चर बचा हुआ, दो या तीन में हम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक और चीज़, आप लोग कोशिश करिएगा कि आपके अगर किसी फ्रेंड को ज़रूरत हो तो उसको बोलिएगा जल्दी से ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मैं 1 अप्रैल से इसका रेट बढ़ाने वाला हूँ। तो आप बता सकते हो क्योंकि बहुत सस्ता है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन और आराम से आप अफोर्ड कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्लियर? मतलब देखो, पूरा जीएस का मतलब ऑलमोस्ट 10,000 क्वेश्चन है, और वो सोचो 300 में, ठीक है ना? तो इसीलिए कोई भी ज्वाइन कर सकता है आराम से। आप बोलिएगा किसी दोस्त को अगर आपको ज़रूरत हो तो। हु वाज द फ्रेंच गवर्नर? देखो, फ्रेंच की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो जब भी हम आप डिस्कस करते हैं तो हम थोड़ा बेसिक की बात डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंच की जब भी बात करते हैं तो हम सबसे पहले समझते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी। फ्रेंच, जिस तरह ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी तरह फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। 1664 ईस्वी में फॉर्मेशन हुआ था। सेकेंड इन्फॉर्मेशन याद रखें, पहला फैक्ट्री बनाया गया था, फर्स्ट फैक्ट्री 1668 में। सेकेंड फैक्ट्री कहाँ पर बनाया गया था? सूरत में। सेकेंड फैक्ट्री बनाया गया था मसूलीपट्टनम में 1669 में, मसूलीपट्टनम। 1674 ईस्वी के आसपास दो पोस्ट एस्टैब्लिश करते, एक है पौंडीचेरी में और दूसरा चंद्रनगर में। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट 1510 में, मैं उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन बता रहा था, चलिए पुर्तगीज के बारे में, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब देखिए होता क्या है, 1742 में सबसे खतरनाक इनके आ जाते हैं, सबसे खतरनाक गवर्नर आ जाते हैं, जिसका नाम था डुप्लेक्स, लॉर्ड डुप्लेक्स भी बोलते हैं, जिसको हम जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स बोलते हैं। अब ये क्या है, ये बहुत इसको पसंद नहीं था लॉर्ड क्लाइव। आपको समझ में आएगा ना, ये बात आ रही थी 1742 में आए थे, लॉर्ड क्लाइव ही इस समय थे ना। लॉर्ड क्लाइव आपको पता है ना, फर्स्ट गवर्नर बने थे जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई हुई थी। तो लॉर्ड क्लाइव उस समय वही रहे होंगे इंडिया ही, तो लॉर्ड क्लाइव इनको पसंद नहीं थे। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, तो इसका करेक्ट आंसर तो यही है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि तीन लड़ाइयाँ होती है ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच, तीन लड़ाई है, फर्स्ट कार्नेटिक वार, सेकेंड थर्ड, तीन लड़ाई होती है। और जब लास्ट लड़ाई होती है, कौन सा बैटल होता है जिसके बाद एक ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, तो बैटल ऑफ बंदीवोश खत्म हो जाते हैं। दो ट्रीटी का भी आप लिखना है, पहला कार्नेटिक वार के बाद जो ट्रीटी होती है उसका नाम है ट्रीटी ऑफ एक्सेला चैपले, ठीक है ना, ट्रीटी ऑफ एक्सेले चैपले। सेकेंड होता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, थर्ड होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है ना? ये क्वेश्चन पूछता है द फर्स्ट मैसूर वॉर से पहले हम मैसूर के बारे में थोड़ा डिफरेंट डिस्कस कर लेते हैं। दो राजा हुआ करते थे, पहला था हैदर अली। देखो, हैदर अली को आप ऐसा मत समझना कि ये पुराने जमाने से ही राजा रहे थे, नहीं भाई, ये एक सैनिक थे, सोल्जर थे। तो आप बोलोगे किस डायनेस्टी कौन थी, डायनेस्टी का नाम है वादेयार डायनेस्टी। के अंदर एक बस सैनिक थे और कुछ नहीं थे। होता क्या है, श्रीरंगपट्टनम जो जगह है उसको डिफेंड करते हैं, ध्यान देना, ये फेमस तब हो जाते हैं जब श्रीरंगपट्टनम, बहुत इंपॉर्टेंट जगह मैसूर के लिए, उसको डिफेंड करते हैं। कब डिफेंड करते हैं, जब मराठा इन पे अटैक करता है तब इसको डिफेंड करते हैं, ठीक है, मराठा। उसके बाद इनको टाइटल मिलता है फतेह हैदर बहादुर का टाइटल मिलता है। क्लियर? उसके बाद ये क्या कर लेते हैं,
थ्रोन पे बैठ जाते हैं और दो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, दो एंग्लो मैसूर वॉर। उसके बाद दो लड़ाई टीपू सुल्तान लड़ते हैं, थर्ड और फोर्थ, ठीक है ना। हम टीपू सुल्तान का क्वेश्चन आएगा तो टीपू सुल्तान के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब देखो, चार लड़ाई होती है, उसमें फर्स्ट जो मैसूर वार होता है 1769 से 69, सेकेंड होता है 80 से 84, थर्ड होता है 90 से 92, फोर्थ होता है 1799। पहला दो लड़ाई लड़े थे हैदर अली, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ लड़े थे टीपू सुल्तान। कोई दिक्कत है? टीपू सुल्तान। अब देखो, एक्सेले चैपले, ये तो देख आपने ट्रिटी कब देखी थी? जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ था तब देखे थे, समझ में ना। तो ये तो सिंपल हट जाता है ना, ये एक ही जगह यूज हुआ है। अब देखो हुआ क्या, लड़ाई हुई है तब देखो ट्रिटी कौन कौन साइन होगी। पहला लड़ाई ऑलमोस्ट जीत गया था कौन? ऑलमोस्ट जीत गया था हैदर अली। तो इसके बाद जो ट्रीटी साइन होती होते ट्रीटी ऑफ मद्रास, ध्यान रखना ट्रीटी ऑफ मद्रास। दूसरा ट्रीटी, दूसरे लड़ाई के बाद ट्रीटी जो साइन होती है वो होती है कौन? मैंगलोर। पहला ट्रीटी कौन है? मद्रास। दूसरा मैंगलोर। थर्ड होता है जो लड़ाई होती है 1992, श्रीरंगपट्टनम। क्लियर। उसके बाद तो फोर्थ में टीपू सुल्तान का डेथ हो जाता है और उसके बाद एक राजा बना दिया जाता है। एक मतलब समझ लो ना, एक जिसके अब धागा जिसके अंग्रेज की कठपुतली, समझ सकते हो ना। उसका नाम था कृष्णा राज थ्री, राज थ्री। और ये साइन हो जाता है सब्सिडरी अलायंस के तौर पर, सब्सिडरी अलायंस के तौर पर। कोई दिक्कत है? चलिए, तो सब कुछ समझ में आएगा ना। अभी तो हमने डिस्कस किया था ना पौंडीचेरी, तो सेकेंड यहाँ ट्रिटी है, तो यहाँ पौंडीचेरी ये वाला नहीं है, लेकिन आपको समझ में आएगा ना, समझ में आया ना कि जो भी ऑप्शन होता है ऐसा नहीं फालतू ऑप्शन होता है, ठीक है। ये ऑप्शन तो हमें फंसाने के लिए दिया है, ये ऑप्शन तो बस फंसाने के लिए दिया है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनीज एंड पास्ड एन एक्ट इन 1773 AD नोन एज। इससे आसान क्वेश्चन तो हो नहीं सकता, लेकिन हम थोड़ा आए हैं तो थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं इस, क्योंकि आंसर तो आपको पता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, लेकिन इस एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश थोड़ा बहुत ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करना चाहता था पहली बार, ठीक है ना, ताकि ब्रिटिश क्या कर सके, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो रिकॉग्नाइज कर सके कि क्या पॉलिटिकल अफेयर है ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर है, सब कुछ। तो एक चीज किया, सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहला काम किया जो बंगाल का जो गवर्नर था ना, अभी तक बंगाल का गवर्नर, उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कोई दिक्कत नहीं। और इस समय कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था, वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग के बारे में आप साफ साफ बोल सकते हैं भैया वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, लेकिन लास्ट गवर्नर है वो बंगाल को, तो बंगाल का। तो आप बोलोगे भैया फिर फर्स्ट गवर्नर कौन था? अभी तो बनाए थे लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। प्लीज 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 याद करो, कन्फ्यूजन होती है एग्जाम में, आप इसको वॉरेन हेस्टिंग लगा दोगे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है हर जगह, इसलिए आप फोकस 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 रखो, क्लियर। और क्या क्या आया था नया नया चीज ध्यान रखना, एक तो बंगाल सबसे ऊपर था, दो सबऑर्डिनेट बना दिया गया, एक है मद्रास और एक बॉम्बे, ये दोनों सबऑर्डिनेट थे मद्रास और बॉम्बे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और बाकी जजेस थे, तीन जजेस थे, क्लियर। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया ऑब्वियसली, ताकि सारे डॉक्यूमेंट को जो इंडिया से आता है उसको रिव्यू कर सके, देख सके। कोई दिक्कत नहीं ना, ज़्यादा हमें डिस्कस नहीं करना है। और इस समय जो बिल लाया था किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा, ठीक है। क्रिप्स मिशन इंडिया में कब आया, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। मान लो
याद करते हैं, वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गया है 1939 में, 1945 तक होता है, वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब कांग्रेस ट्राई नहीं करती थी, मतलब ये ऐसा नहीं था कि कांग्रेस चाह रही थी कि पूरी तरह हम इसको ब्रिटिश को धक्का दे इस समय, क्योंकि दो टाइप, दो फोर्स थी ना वर्ल्ड वॉर टू जो हुआ था, एक तरफ थी अलाइड, एक तरफ थी एक्सिस। देखो हम, हमें जो बंदी बनाया था, हमें जो गुलाम रख रहा है वो अलाइड फोर्स है, क्योंकि इसमें यूके है, यूके, फ्रांस, यूएसए, रसिया और चाइना। चाइना कौन कब आया इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक्सिस में था जर्मनी, इटली, जापान। अब देखो हम इसके, इसका अलाइड का साथ नहीं दे सकते थे क्योंकि ये तो हमें बंदी बना के रखा था, और हम इसका भी साथ नहीं देते, बहुत खतरनाक थे यार जर्मनी वाले, ठीक है हिटलर। तो अब देखो हुआ क्या, हमारे जो कांग्रेस जो होते थे, मतलब जो इवन कांग्रेस क्या चाहता था, कांग्रेस चाहता था, ध्यान सुना, कांग्रेस चाहता था दो चीज, कि यार सबसे पहले हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दो, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देना, हम अपने लिए संविधान खुद बनाएंगे। संविधान, कांग्रेस की मांग थी कि हम तो, हमारे लिए संविधान, देखो दो मांग थी, एक तो पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला जो रूल है वो, देखो ये बोले कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप बना दो, या बात ही कर दो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारा संविधान बनेगा। और कांग्रेस भी बोला यार ये तो चलो फ्यूचर का बात है, लेकिन कुछ तो अभी दो हमें, कुछ तो हमें दो। या इस समय था वायसराय था लिंगलिथुआ, लिंगलिथुआ बोलता है नहीं चलिए हटिए, नहीं कुछ देंगे, रिजेक्ट कर देता है इसको, लिंगलिथुआ रिजेक्ट कर देता है। अब यहाँ पे कांग्रेस ऑलमोस्ट दो भाग में विभाजित होता है, दो भाग में नहीं, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस का फैक्शन डिवाइड हो जाता है, दोनों अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं, ठीक है ना, दोनों अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं, समझेगा ना। सुभाष चंद्र बोस का क्या प्रॉब्लम था हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब होता क्या है, इसी बीच पाकिस्तान अपना रिजॉल्यूशन पास कर देता है कि भाई उसको अब एक अलग देश बनाना है, पाकिस्तान रिजॉल्यूशन पास कर देता है, लाहौर रिजॉल्यूशन 1940 में, मार्च में लाहौर रिजॉल्यूशन, कि उसको हम बोलते हैं पाकिस्तान रिजॉल्यूशन भी बोलते हैं, पाकिस्तान रिजॉल्यूशन। अब देखो इतना ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, इधर सुभाष चंद्र बोस अलग ही मूवमेंट कर रहे हैं, इधर मुस्लिम अलग ही मूवमेंट कर रहा है, आपको नहीं लगता लिंगलिथुआ थोड़ा सा बेचारा हो जाएगा, तो उनका थोड़ा इसको प्रॉब्लम हो जाएगी क्या करें, तो लिंगलिथुआ को यही होने लगता है। तो लिंगलिथुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक ऑफर देता है जिसको हम अगस्त ऑफर बोलते हैं, भाई याद करो याद करो याद करो अगस्त ऑफर, क्यों, क्योंकि अगस्त 1940 में देता है, ठीक है ना। लिंगलिथुआ साफ साफ बोलता है, अब लिंगलिथुआ इतना परेशान क्यों हो गया, लिंगलिथुआ इतना परेशान हो गया कि भाई हिटलर तो इसके नाक में दम करके रखा है, तो लिंगलिथुआ इसीलिए परेशान इतना हो रहा है, तो क्योंकि हिटलर जा रहा है, तो लिंगलिथुआ कुछ पॉइंट बोलता है, लिंगलिथुआ बोलता है कि चलिए हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, 1940 में बोलता है डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। सेकेंड बोलता है कि हम जो वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना उसको एक्सपेंड करेंगे और इंडियन को एंट्री देंगे। थर्ड है कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा लेकिन आफ्टर वॉर। फोर्थ बोला कि माइनॉरिटी को वीटो पावर होगा, ध्यान देना माइनॉरिटी को वीटो पावर होगा। ओह वीटो पावर, मुस्लिम लोग को तो खुशी हो जाएगी यार माइनॉरिटी को वीटो पावर, मुस्लिम लीग से बोलता है हाँ हाँ भाई 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 आराम से कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अगस्त ऑफर मंजूर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलता है भाई हटो, अब कुछ नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंस से नीचे हमारा कोई गोल ही नहीं है, अब हमारा गोल डोमिनियन स्टेटस आज से 10 साल पहले था, अब गोल डोमिनियन स्टेटस नहीं हो सकता। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती भी नहीं थी कि इस समय हम ब्रिटिश को इतना ज़्यादा परेशान करें, क्योंकि ब्रिटिश अगर हार जाएगा तो जर्मन के अंदर हम आ जाएंगे, जर्मन के कंट्रोल में, और जर्मन कितना खतरनाक था ये सबको पता था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं कि यार हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल सत्याग्रह तो कर ही सकते ना, इंडिविजुअल सत्याग्रह, ताकि इससे ब्रिटिश को पता चला कि हम लोग चुपे भी नहीं हैं, हम अपना मांग भी रख सकते हैं, क्लियर। तो पहला इंडिविजुअल सत्याग्रह कौन किए थे, विनोबा भावे, विनोबा भावे।
तो इंडिविजुअल सत्याग्रह पहला कौन किए थे? विनोबा भावे। और दूसरा कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, कोई दिक्कत नहीं। उस समय एक्चुअली ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह चल रहा था उसको हम ये एक नाम और दे सकते हैं, CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिविजुअल। हो गया। आप देखो, तब तक जापान पहुंच चुका है रंगून तक, मतलब बर्मा की कैपिटल रंगून तक पहुंच चुका है, पीछे से वर्ल्ड वार टू का सिनेरियो। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस भी डेस्परेट हो गया, और इवन डेस्परेट हो गया ब्रिटिशर्स, दोनों को समझ में नहीं आ रहा क्या करे। तो क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पे ये फेल हो गया है बात करने से, फेल हो गया ना बात करने से, इनसे बात ही नहीं हो पा रहा। किन से? लिंगलिथुओ से। अगस्त ऑफर दिए, कोई काम का नहीं है। तो अंग्रेज वहाँ कॉल करते हैं, मतलब लिंगलिथुओ कॉल करते हैं कि सर हमसे कुछ नहीं हो रहा है, आप कोई बड़े साहब को भेज दीजिए, बड़े साहब बात करेंगे। तो वही बड़े साहब है क्रिप्स मिशन। ठीक है ना। इधर पाकिस्तान अपना कर रहा है, पाकिस्तान जैसे वीटो का सुनता है पाकिस्तान हाँ कर देता है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलता है भाई नहीं, अब तो हमें इंडिपेंडेंस से कम कुछ चाहिए ही नहीं चाहिए, और हमें हम अगर क्योंकि लार्ज लेवल पे सत्याग्रह नहीं कर सकते, इंडिविजुअल लेवल पे तो कर सकते हैं ना। तो लिंगलिथुओ के हाथ से जैसे ही बात जाने लगी, लिंगलिथुओ बोलता है कि रुकिए रुकिए, बड़े साहब को आ जाने दीजिए, वो बात करेंगे। अब बड़े साहब आते हैं, बड़े साहब बोलते हैं, बड़े साहब क्या बोलते हैं पता है? ये भी रिकमेंडेशन देते हैं। कब आते हैं? 1942 में। बोलते हैं भाई डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर वॉर। और इसमें बोला कि स्टेट का मन होगा ना तो सीसीड कर सकता है, देश से बाहर जा सकता है। उसके बाद वायसराय जो हो सकता है वो ऑटोक्रेट बन सकता है, कब? जब टाइम आएगा, इमरजेंसी का सिचुएशन आएगा। तो ये सब बात जैसे ही क्रिप्स मिशन बोला ना, लिंगलिथो खुद हंसने लगे कि जब ये लोग बात मान लेंगे, इनके रिकमेंडेशन मान लेंगे, तो हमारे बारे में क्या कमी थी। मतलब ऐसा रिकमेंडेशन इन्होंने इतना फालतू दिया ना, क्योंकि इतना फालतू दिया कि इनको इवन लिंगलिथो का ही पता था कि ये नहीं माना जाएगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि इससे अच्छा तो फिर लिंगलिथो दे रहा था भाई, दे रहा था ना, इससे अच्छा तो लिंगलिथुओ दे रहा था, डोमिनियन स्टेटस, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सटेंड। लिंगलिथुओ को ये समय, तो ये तो मतलब हंसने वाली बात है ना इस पर। तो 1942 में है। चलिए, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, आगे का देखेंगे क्वेश्चन। Who was the Governor General during the Second Anglo-Mysore War? Second क्या लिखा हुआ? Second Anglo-Mysore War। तो हम देखो, सारा वॉर हम डिस्कस कर चुके हैं भाई। अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट वॉर हुआ 66 से 69, सेकेंड हुआ 80 से 84, थर्ड हुआ 90 टू 92, फोर्थ हुआ 99। इसके बाद जो ट्रीटी साइन हुई थी मद्रास, उसके बाद मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम, पट्टिनम। अब देखो हर बार, अब देखते हो यहाँ तो वो डेथ हुए था। खुद सोचो, पहला बार जब 66 से 69 के बीच थे, तो इस समय की कौन सा बात कर रहा है? 1766 से 1769 के बीच। इस समय तो एक्चुअली गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब खुद देखो, जब आपको पता है 1757 में लड़ाई होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। इसके बाद इस लड़ाई में एक्चुअली जो शामिल होते हैं उनका नाम क्या है? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है ना। तो लॉर्ड क्लाइव दो बारी बनते हैं प्रेसिडेंट, कब बनते हैं? गवर्नर, 57 से लेके 60, और उसके बाद एक बारी और बनते हैं, कब? 65 से लेके 67 के बीच। ठीक है ना। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी यही साइन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा बंगाल में ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन कब से कब तक चला? ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन कब से कब तक चला, ये आपसे पूछा जा सकता है। बैटल ऑफ बक्सर से लेके जब तक रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आ जाए तब,
यानी 1665 से 1765 से 1772, कोई दिक्कत? ठीक है ना, इस समय बिल्कुल लूट चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब खुद देखो, यहाँ पे चलो, हाँ यहाँ पे खुद देखो, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? 80 से 84 के बीच कौन था? सबसे पहले हम थोड़ा लाइन डिस्कस कर ही लेते हैं लाइन से। सबसे पहले यहाँ पे थे एक्चुअली वॉरेन हेस्टिंग, ये तो क्लाइव, यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग पता है कब तक रहे? 73 से 85 तक वॉरेन हेस्टिंग ही रहे, तो यहाँ पे समझ लें वॉरेन हेस्टिंग। 90 से 92 वाले में कौन रहे होंगे? 90 से 92 वाले में ये रहे थे कॉर्नवॉलिस, वही बनता है ना जो परमानेंट सेटलमेंट लाया था, याद है ना। 99 के समय कौन था? वेलेस्ली, वेलेस्ली वही बंदा था ना जो सब्सिडरी अलायंस लाया था, याद नहीं है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो डलहौजी साहब लाए थे। चलिए, तो गवर्नर जनरल, सेकेंड गवर्नर जनरल कौन थे? या देखिए, इस समय सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के समय सेकेंड यहाँ पे है 80 से 84, वॉरेन हेस्टिंग डी। समझ में अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? नहीं क्लियर हो रहा तो बताइए, क्लियर हो रहा है तो हाँ बोलिए, मतलब कमेंट सेक्शन में बातें बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस रैयतबारी, रैयतबारी सिस्टम, भाई ये बहुत डिटेल में मैं बता चुका हूँ रैयतबारी। जैसे देखो, मुनरो लाए थे रैयतबारी, ये तो ध्यान रखना ना, मैं करा चुका हूँ डिटेल में, इसलिए यहाँ पे रहने दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा, अगर हर क्वेश्चन पे बार बार टाइम देने लगे तो ज़्यादा टाइम लेगा ना। ठीक है, थॉमस मुनरो लाए थे। और इसमें क्या, रैयत बारी सिस्टम में जो रैयत, जो पीजेंट होते थे, उनको डायरेक्ट ऑनरशिप दे दिया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स लेते थे, और ये यहाँ पे था, यहाँ वाले एरिया में, मद्रास, बॉम्बे और कुछ आसाम का पार्ट। अंडर हुज लीडरशिप द चिटागोंग आर्मरी रेड, चिटागोंग आर्मरी रेड किसके लीडरशिप में हुआ? ये तो सबको पता है, बहुत फेमस, सुरेसेन। ठीक है ना, इनको मास्टर दा भी बोलते थे। किनके साथ मनाया? सुरेसेन और कल्पना दत्त जी दोनों साथ में किया। ये चाहते थे, पता है क्यों चाहते थे? ये बांग्लादेश में चिटागोंग, और ये चाहते थे कि आर्मरी रेड, क्योंकि ये तो रिवॉल्यूशनरी थे, तो भाई आर्म इकट्ठा करेंगे, चुराएंगे, लूटेंगे, तभी तो ये रिवॉल्यूशन से, रिवॉल्यूशनरी के थ्रू ब्रिटिश को भगा सकते हैं, यही कारण है। हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली का रूलर कौन था? जब अहमद शाह अब्दाली डिफीट द मराठा, मराठा को डिफीट करता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, तो हमें तीनों बैटल ऑफ पानीपत पता होना चाहिए। 1760, मैं इसीलिए बार बार आपको बताता हूँ हिस्ट्री में टाइमलाइन का कितना इम्पोर्टेंस है, अगर आपको पता होगा 1761 के आसपास कौन था मुगल एम्परर, तो आपको ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है। इस ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फालतू होगा, मतलब समझ में आना। तो आपको टाइमलाइन, इसीलिए मैं एक क्या करूँगा, जैसे ही हमारा हिस्ट्री खत्म होगा, एक हम लाइव, एक लाइव क्लास लेंगे, मैं पूरा हिस्ट्री 2 आवर में पूरा हिस्ट्री आपको एक टाइमलाइन दे दूंगा, टाइमलाइन, डिटेल में तो नहीं हो सकता ना 2 आवर में, टाइमलाइन दे दूंगा पूरा, मैंने लिखा हुआ है, मैंने A3 साइज पेज है मेरे पास, उसके दोनों साइड मिला के पूरा मॉडर्न हिस्ट्री हो जाता है, पूरा गवर्नर जनरल, यानी पूरा जो गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय है, पूरा एक लाइन से हो जाता है, पूरा मैंने लिख लिया वहीं पे, रिवाइज करना तो मैं वहीं से करता हूँ। ठीक है, तो ये इसका क्या आंसर है? अहमद सी अब्दाली उस समय थे एक्चुअली शाह आलम 2। आप बोलोगे भैया मुझे नहीं याद रहेगा, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन 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 आपको ये तो याद है भाई 1765 में कौन लड़ाई किए थे, 1765 में कौन सा लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर, कौन कौन थे? एक तरफ था अवध, एक तरफ था बंगाल, एक तरफ था मुगल, यानी MBA हो रहा था, मुगल के तरफ से कौन थे? शाह आलम 2। बंगाल के तरफ से कौन थे? मीर कासिम। अवध के तरफ से कौन थे? शुजाउद्दौला। अब खुद सोचो यार, 1765 में ये थे, शाह आलम 2 थे, तो 1761 में बहुत ज़्यादा चांस है कि यही होंगे ना, क्योंकि मुगल इतना जल्दी जल्दी थोड़ी हटते थे, मतलब मुझे नहीं आता उसके बाद ही लगाना, याद है तो बहुत बहुत सही बात है ना, मैं आपको लिंक कर रहा हूँ कि कैसे वो उस टॉपिक से आप उठा के आंसर कर सकते हैं।
1939 में सुभाष चंद्र बोस को इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट, किसको डिफीट करते हैं 1939 में, किसको डिफीट करते हैं वो प्रेसिडेंट के। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आया तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं क्या कब चलते हैं कि दो बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट पोस्ट पर बैठे थे। पहली बार 1938 में, कहाँ पे, हरिपुरा में, ठीक है। उसके बाद 1939 में त्रिपुरी में, तो ये त्रिपुरी की बात कर रहे हैं। लेकिन बाद में हुआ क्या त्रिपुरी में, इनको एक्चुअली क्या करना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि पॉलिटिकल जीत गए थे त्रिपुरी में, पट्टा भी सीतारामन को हरा के जीत तो गए थे, लेकिन पॉलिटिकल डिफरेंस क्रिएट हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद बन गए थे राजेंद्र प्रसाद। अब देखो, अब 1930 में हुआ, तो 1930 में क्या कुछ अच्छा हुआ था? हाँ, दोनों बार 1938 में एक अच्छा काम हुआ था। क्या काम अच्छा हुआ था बताइए, बताते हैं, थोड़ा वाइट पेन तो ले लें। 1938 में हुआ था, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी। किसके चेयरमैनशिप के अंदर में, जवाहरलाल नेहरू। तो आप बोल सकते हो कि भैया नीति आयोग का ओरिजिन तो 1938 में ही हो गया था ना, नीति आयोग जो अभी है उसका ओरिजिन तो पहले ही हो गया था, ठीक है ना, इसी को ना खुद थोड़ा बहुत चेंज करके करते हैं। सेकंड, 1939 में त्रिपुरी में होते, लेकिन अपोज होने का पॉलिटिकल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो गांधी जी के कहने पे रिजाइन कर देते हैं और राजेंद्र प्रसाद वो पोस्ट उठाते हैं। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक को ज्वाइन करते हैं, मतलब बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। ये एक लेफ्टिस्ट पार्टी था बंगाल के अंदर ही और इवन कांग्रेस के अंदर ही, कोई दिक्कत नहीं। बाद में गांधी जी और इनके बीच पॉलिटिकल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एक वारधा में मीटिंग चल रही थी और जहाँ पे दोनों अलग हो जाते हैं, वारधा एक्चुअली बॉम्बे में है। महात्मा गांधी बिगेन हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली इन सब में किसी को कोई दिक्कत है, चलिए ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तिनकटिया सिस्टम था, इंडिगो की राजकुमार शुक्ल बोलाए थे, ये सब हमें बात पता होना चाहिए। राजा राम मोहन राय जी के बारे में, हम फाउंडर किस किस चीज़ के थे, एक तो आत्मीय सभा के फाउंडर थे और नेक्स्ट है उसके बाद ब्राह्मो सभा के फाउंडर थे, ये सब हमें पता है, ठीक है ना। चलिए, स्टार्टिंग में 1828 में ब्राह्मो सभा बना था, बाद में इसको ब्राह्मो समाज बना दिया। ये हिंदू को प्यूरिफाई करना चाहते हैं और मोनोथिज्म पे बिलीव करते थे, वेदा और उपनिषद में रीजन की बात करते थे। गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, इसको हम अगस्त रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हम तो बहुत डीप किए थे बैटल ऑफ प्लासी का, सिराज उदौला था एक्चुअली सबसे पहले मैंने कराया था, उसमें एक्चुअली लॉर्ड क्लाइव थे, हमें तो पता ही है, हमने पहले कराया था कि एक लॉर्ड, देखो ब्रिटिश सुजा उदौला को दो चीज़ बहुत खटकता था, सिराज उदौला को दो चीज़ बहुत खटकता था कि भाई ये क्यों फोर्टिफिकेशन कर रहा है, बिजनेस है तो फोर्टिफिकेशन क्यों कर रहा है, और अच्छे से टाइम पे दस्तक इसका मिलता था मुगल के द्वारा, उसका गलत यूज कर रहा था बार बार ताकि टैक्स से बचा जा सके। तो उसके बाद इसने क्या किया, एक ब्लैक होल इवेंट हो गया, जब सिंपल रूम में बंद नहीं कर दिया था उसको, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं इसी तरह ब्लैक होल का कोई नाम था, ठीक है। तो कहाँ पे, जो कासिम बाजार में एक फोर्ट थी ब्रिटिशर्स की, वहाँ पे बंद कर दिया गया। लेकिन आपको पता है ये गए नीचे और कुछ ब्रिटिशर्स को लेके आए, फिर इसको पता था सिराज उदौला का हराना इतना आसान नहीं है, इसलिए इसने मीर जाफर से हाथ मिला ली पीछे से कि भाई तुमको हम राजा बना देंगे, नवाब बना देंगे, तो अभी हमको साथ दो। और मीर जाफर को भी पता था कि सिराज उदौला के रहते रहते तो हम राजा बनेंगे ही नहीं, नवाब बनेंगे नहीं, इसलिए
सिराजुद्दौला को मरवाने के लिए इसने प्लान बनाया, मिर्जाफर। तो इसका आंसर करेक्ट है सिराजुद्दौला। ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट थे गांधी जी। तो कौन से वाले के प्रेसिडेंट थे गांधी जी, ये आपको पता होना चाहिए। 1924 में एक बार बने थे, कहाँ पे, बेलगांव में बने थे 1924 में, एक ही बार बने थे। तो एक और याद रख लेते, 1925, एक साल बाद 1925 में जो वुमेन बने थे उनका नाम था सरोजिनी नायडू। ये पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है, क्योंकि पहली वुमेन तो आपको पता है कलकत्ता में बनी थी 1917 में, कौन, एनी बेसन, ठीक है ना, ये बनी थी सरोजिनी नायडू इंडियन वुमेन। कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट आप सेशन याद कर लेना, जैसे पहला जब डब्ल्यू सी बनर्जी बना था, सेकेंड जब दादा भाई नौरोजी बने थे कलकत्ता में हुआ था, थर्ड जब पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, उसके बाद फोर्थ सेशन हुआ था इलाहाबाद में, थर्ड मद्रास में हुआ था, फोर्थ हुआ था इलाहाबाद में जब जॉर्ज यूले बने थे पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट। ये सब याद रखिए। देखो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट है हमें फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट, सॉरी, इसमें देखते हैं क्या क्या किस किस को मिलाना है। सबसे पहले ये मुझे किताब लगती है या कोई या ग्रुप हो सकता है, यंग इंडिया। मुझे तो यार यंग इंडिया का ये थोड़ी है, यंग इंडिया तो महात्मा गांधी है ना, यहाँ आंसर तो आ गया। एक न्यू इंडिया भी ग्रुप है, था न्यू इंडिया का एक्चुअली एनिमेशन थी। कॉमरेड का मोहम्मद अली याद रख लेना प्लीज, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का लाला हरदयाल, यंग इंडिया महात्मा गांधी, कॉमनवेल और न्यू इंडिया दो है एनिवेशन की, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्पायरेसी के, अरबिंदो घोष अलीपुर कॉन्स्पायरेसी के हम कितना बार बता चुके हैं। स्वतंत्रता पार्टी के फाउंडर कौन थे, सी राजगोपालाचारी, ये याद कर लीजिएगा स्वतंत्रता, क्योंकि हम इसको बताए थे, ठीक है ना, स्वतंत्रता पार्टी के फाउंडर, ठीक है ना, बाद में नाम चेंज हो गया, क्लासिकल लिबरल पार्टी हो गया। एक्चुअली ये थे पार्टी 1957 में बनाए थे, मतलब ये अलग हो गया, मतलब 1957 में कांग्रेस से अलग हो गया, स्वतंत्रता पार्टी बनाए। कैबिनेट मिशन इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखो भाई, बहुत आसान है, 1909 1919, क्रिप्स 1942, कैबिनेट 1946, इसमें बता दो 46, चार सबसे पहले, तीन, दो, एक, आराम से। दादा भाई नौरोजी की किताब थ्योरी जो ड्रेन ऑफ वेल्थ पे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, 320 क्वेश्चन है। ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कब क्रिएट हुआ गया था, ये 1772 में हुआ, ये याद रखिएगा, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, याद कर सकते हो, क्योंकि जरूरत था ना, डिस्ट्रिक्ट में कलेक्ट करना था रेवेन्यू को, जो कलेक्टर होते थे स्टार्टिंग में उनका काम यही था ना, रेवेन्यू को कलेक्ट करना। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इस लेक्चर को मैं पब्लिक करने वाला हूँ ताकि और लोग ज़्यादा ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसे ही चलता है लेक्चर। 320 क्वेश्चन तो हो गया, 370 हमें करना है, 50 क्वेश्चन और है, दो लेक्चर और रह गए, और मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच आपको। ओके 1772, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो इसको मैं कर रहा हूँ पब्लिक, आपको मैं बता देना चाहता हूँ इसका फ़ी बहुत बहुत मैंने रखा है, बस भी मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि थोड़ा सा पीपीटी ऐप, जानते हो ये जो क्रॉपिंग वगैरह जो करता है बंदा, उसका पैसा लेता हो, और ज़्यादा मैं नहीं ले रहा हूँ, इसलिए 300 मैं लेता हूँ पूरे कोर्स का, 300 मतलब इतना कम कोई नहीं होगा। अगर सेम इसी तरह मैं लुसेंट का करवा रहा हूँ, लुसेंट का भी ज्योग्राफी कर रहे हैं हम लोग, सेम इसका भी 300 है, अगर दोनों साथ में लेंगे तो थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा, 500 दोनों का मिल जाएगा, और बहुत लोग ज्वाइन भी किए हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है अभी, मतलब 8-9 मतलब 15 लोग ज्वाइन किए होंगे ऑल, और क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया, तो आप लोग और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो ताकि ज्वाइन करें, इतना मिनिमम में और अच्छा कॉन्टेंट नहीं देगा, इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, और कोई भी डाउट हो ना तो आप मेरे पे मैसेज करिए, कोई भी इसके रिगार्डिंग 9582062।